प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान के निर्देश के बाद में मनरेगा का कार्य शुरू कर दिया गया है, तो वहीं इसका फायदा अब मजदूरों को मिलने भी लगा है। लॉकडाउन के दौरान लगभग 45 दिन से जो काम बंद पड़ा था, पंचायत स्तर पर वह अब कार्य शुरू हो गया है। रोजगार गारंटी का कार्य यानी अब शुरू हुआ है। जनपद पंचायत के लगभग सभी ग्राम पंचायतों में मनरेगा के कार्य शुरू होने से गरीब मजदूरों की रोजी रोटी का जो संकट था वह शायद अब टल जाएगा। मनरेगा का कार्य शुरू होने से गरीब खासे उत्साहित हैं, तो वहीं कोरोना वायरस से बचाव के यहाँ सारे उपायों को ध्यान में रखा जा रहा है। मनरेगा परियोजना देश के इस विकट संकट में जीवनदायिनी परियोजना साबित हो रही है। वहीं खैरलांजी के सरपंच ब्लॉक अध्यक्ष का कहना है कि शिवराज सरकार के कार्य से कोई दिक्कत समझ नहीं आ रही है। वहीं अगर देखा जाए तो यहां सोशल डिस्टेंसिंग का भी पूरा ख्याल रखा जा रहा है। वॉइस ऑफ राइट्स के लिए बालाघाट से वीरेंद्र श्रीवास की रिपोर्ट। परिचय, मैं रमेश नपुरे, ग्राम पंचायत मोहाड़ी सरपंच और खैरलांजी जनपद सरपंच संघ अध्यक्ष। अभी सर, जैसे इस समय देश में पूरे विश्व में कोरोना का संकट छाया हुआ है, ऐसी परिस्थिति में सोशल डिस्टेंसिंग का भी ध्यान रखा जा रहा है, फिर भी हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा मजदूरों को काम देने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में हमारे पास मीनाक्षी तालाब है, खेत तालाब है और मेड़ बंधान आदि वगैरह का काम मजदूरों को दे रहे हैं, जिसमें मजदूरों के साथ एक एहतियात बरत रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखें। स्पॉट पर हम लोग सैनिटाइजर वगैरह, उनको मास्क दे रहे हैं और दूरियों का विशेष रूप से ध्यान रख रहे हैं। इन लोगों को सर टाइम निश्चित कर दिया है आप लोगों ने? हाँ सर, क्योंकि ये मई का माह है जिसमें ताप टेम्परेचर बहुत अधिक होता है, जिसके कारण हम लोगों ने एक समझौता किया है मजदूरों के साथ। सुबह वो 7 बजे चले जाते हैं काम पर और सीधे 2 बजे छुट्टी करते हैं उनकी। सर, क्या इससे आपको मजदूरों में क्या खुशी मिल रही है, काम पर आ रहे हैं सारे मजदूर? इस समय आप जानते हैं देश कोरोना से लड़ रहा है, पूरा विश्व कोरोना के भय से बहुत डरा हुआ है और मजदूर जो बाहर पलायन कर गया था वो सब अपने घर वापस हो गया। ऐसी परिस्थिति में एक सरकार की सोच है कि हम इनको कैसा पाले, इनके लिए नए नए कार्य योजना तैयार कर रहे हैं और इनको काम देने के लिए अनेकों प्रयास किया जा रहा है। ऐसी परिस्थिति में इनमें एक खुशी का वातावरण बना हुआ है कि सरकार हमारे बारे में इतना अच्छा सोच रही है और इनके जो जीविकोपार्जन के लिए, इनकी जरूरतों के लिए जो काम दिए जा रहे हैं, इन कामों के उपलक्ष्य में इनको जो पैसा मिलेगा, निश्चित रूप से इनसे इनमें खुशी का माहौल बनेगा और जीवन जीने के लिए बहुत कारगर साबित होगा। सर, आपका परिचय? मैं रमेश नकपुरे, ग्राम पंचायत मोहाड़ी सरपंच, जनपद पंचायत खैरलांजी सरपंच संघ अध्यक्ष।